मैं उनको थका हुआ कहता हूं, तो मैं आज उन्हीं के छिंदवाड़ा से, मैं उन्हें छिंदवाड़ा के बारे में कहूंगा कि इतने लंबे चुनावी राजनीति में, इतने लंबे समय रहने के बाद भी वो ना तो आदिवासी के हुए, ना आम आदमी के हुए, ना छिंदवाड़ा के हुए। विकास की जिस परिभाषा को वो मानते हैं, मैं उसे सिरे से खारिज करता हूं। और मैंने उन पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि रहते हुए उन्हें सरकारी धन को अपने चहेतों को कैसे बांटा जाए, इसका मॉडल है छिंदवाड़ा। और इसलिए मैं आज उनको चुनौती देते हुए कहता हूं, अगर उन्हें राजनीतिक इच्छा शक्ति है और कोई भी लोकतंत्र के प्रति उनमें आस्था है या वो अपने आप को मानते हैं, गांधी की बात तो उन पर कहीं फिट होती नहीं, लेकिन जो मेरा आरोप है उसका वो जवाब दें कि वो थका हुआ चेहरा है, थके हुए वो नेता है, वो एक किलोमीटर चल नहीं सकते, तो चलो ये तो उम्र का सवाल है, वो नहीं चल सकते तो अपने संतान को चला दें। लेकिन जो दूसरा आरोप है मेरा कि वो 6 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो किसी जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए हों तो उसको जरूर बताएं। वो 1.5 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सचिवालय से बाहर वो किसी जिले में गए हों तो जिले का नाम बताएं। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा में हमारे उम्मीदवार ने जो काम किया, मैं उसको बेहतरीन तरीका मानता हूं, ताकि आम आदमी को पता चलना चाहिए। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा मुख्यालय में किस वार्ड में कार्यकर्ता के नाते या नेता के नाते गए, ग्रामीण क्षेत्र के तो बूथ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो थका हुआ नेतृत्व तो है राजनीति में, चुनावी रणनीति से या जोड़ तोड़ से चुनाव जीत जाना ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती है। और इसलिए मैं आज उनको कहता हूं कि उनका जो आपा खोने का तरीका है कांग्रेस का, मैंने कहा था कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये वही कमलनाथ हैं जिनने कहा था कि हम 6 महीने पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए करेंगे, लेकिन 32 दिन पहले बामुश्किल कर पाए। और उसके बाद में जो इस्तीफों की झड़ी लगी पूरे राज्य में, ये कांग्रेस का सच है। फिर उसके बाद में बात यही नहीं रुकी, 2 शीर्ष थके हुए नेताओं में जो संवाद हुआ है वो पूरे राज्य ने देखा है। कमलनाथ खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जाओ दिग्विजय सिंह और उनके बच्चे के कपड़े फाड़ो, पर वो पलटवार कर रहे हैं ट्वीट करके कि मन और मेहनत में अगर एक नहीं रहेंगे तो हम ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। मन से एक नहीं है, मेहनत एक साथ है नहीं, कागज पर एक हो सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस की पराजय तय है। मैं आज छिंदवाड़ा की धरती से संकल्प दोहराता हूं कि 2003 में छिंदवाड़ा जिले में 8 विधानसभाएं थीं, हमने 8 जीती थी। 2023 में आज 7 विधानसभाएं हैं, हम 7 पर विजय हासिल करेंगे। इस संकल्प के साथ आज से मैं नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।